छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र कल तक के लिए स्थगित, आरक्षण पर जमकर हुआ हंगामा। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों में होगा बड़ा बदलाव, अंग्रेजी होगी अधिक धारा प्रभाव, कौशल विकास से मिलेगी नौकरी। बलरामपुर जिला प्रेस क्लब संरक्षक अरुण कुमार सोनी से हुई चर्चा के बाद राजपुर में स्थानीय प्रेस क्लब का पुनर्गठन, पदाधिकारियों का किया गया सम्मानित। अंबिकापुर में कलयुगी पिता ने पुत्र को लाठी डंडों से पीटा, पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। सरगुजा में आबकारी एक्ट के तहत हुई कार्यवाही, नाराज लोगों ने किया थाने का घेराव। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर अंबिकापुर से है जहां 9 वर्ष के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने ऑक्सीजन पार्क में 100 फीट ऊंचा गगनचुंबी राष्ट्र ध्वज की स्थापना कर शहरवासियों को नई सौगात दी और बताया कि कई वर्षों से गगनचुंबी राष्ट्र ध्वज लगाने की उनकी मंशा थी। ऑक्सीजन पार्क से राष्ट्र ध्वज को हर कोने से देखा जा सकेगा। साथ ही उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। आप सभी मीडिया के साथियों को, सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में मेरे भाई छोटे बाबा के नाम से हम लोग उनको पुकारते हैं, उनकी कई वर्षों से मंशा थी कि शहर में राष्ट्रीय ध्वज लगना चाहिए। कई जगह लगा, पहले भी लगा, हम लोगों ने बड़े शहरों में देखा कि वो ध्वज लगा था। खबर राजपुर से है जहां जिला प्रेस क्लब संरक्षक से हुई चर्चा के बाद राजपुर में स्थानीय प्रेस क्लब का पुनर्गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के पद के लिए पूरन देवांगन को मनोनीत किया गया। वहीं प्रेस क्लब के गठन के दौरान मनोनीत पदाधिकारियों और सदस्यों को पुष्प भेंट कर सम्मानित किया गया। कोरबा में वन विभाग के कार्यालय के पास मुख्य मार्ग पर सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि हादसे में कार और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार की मौके पर मौत हो गई। इस घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। इसके बाद राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था कि घायल ने रास्ते में दम तोड़ दिया। अंबिकापुर के बतौली थाना क्षेत्र में कलयुगी पिता ने अपने ही पुत्र की लाठी डंडे से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मृत पुत्र अपनी पसंद की लड़की को घर ले आया था, जिस पर नाराज पिता ने अपने ही 19 साल के पुत्र की पिटाई कर दी, जिससे पुत्र की मौके पर मौत हो गई। कोरबा में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 11वीं की छात्र की मौत हो गई। दो युवक को मामूली चोटें आई। नए साल में दोस्तों के साथ मृतक पिकनिक मनाने गया था। घटना को लेकर बालको पुलिस परिजनों की मौजूदगी में वैधानिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जो निजी विद्यालय है, जो मान्यता प्राप्त विद्यालय है, उनमें कोई छूट का प्रावधान नहीं है और जो समय भी निर्धारित किया है वो 10 से 2, ये 4 घंटे में क्या पढ़ाई होगी समझ में नहीं आता। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि सामान्य रूप से जब ये आपके परिषदीय जो स्कूल हैं, बेसिक शिक्षा के जो स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, इनके बच्चों की पढ़ाई कुछ अलग होती है और जो निजी विद्यालय हैं इनकी पढ़ाई अलग होती है। पूरा
देश नए साल का जश्न मनाने में लगा हुआ है तो दूसरी ओर अंबिकापुर के गंगापुर के वार्डवासी वार्ड में संचालित अंग्रेजी शराब दुकान को हटाने को लेकर प्रदर्शन किया। यहाँ रहने वालों के लिए शराब की दुकानें मुसीबत बन गई हैं। यहाँ रहने वाले लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, वहीं प्रशासन ने भी लोगों की मदद नहीं की। प्रशासन जो है वो आते हैं, बोलते हैं कि बैठक होगा, कुछ बैठक होगा, उसके बाद यहाँ से शराब भट्टी हटाया जाएगा, लेकिन आज तक गंगापुर की दीदियों के बैठक के लिए भी नहीं बुलाया गया। और दीदियों को यहाँ जब शराब दुकान में लड़के दारू पी के जाते हैं तो घर के बाहर यहाँ तक छेड़ जैसे चीजी हो रही है, लेकिन प्रशासन को ये नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रशासन के अधिकारियों के घर के सामने ये दारू भट्टी नहीं है, इसलिए उनको तकलीफ नहीं दिख रहा है। यहाँ रोज बहनों का बेटियों का निकलना दुश्वार हो गया है, लेकिन यहाँ के विधायक जी जब चुनाव लड़ रहे थे यहाँ की दीदियों का बताना, उन्होंने बोला था कि शराब भट्टी हट जाएगा जब कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन आज शराब भट्टी नहीं हटा है। चाहिए दुकान से परेशानी होता है, गाली गलौज होते रहता है, मारपीट होते रहता है, शराब पी के पड़े रहते हैं, या शराबी लोग हम ही लोग से पूछते हैं कि आप मतलब दारू दुकान कहाँ है, तो ये सब बताने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी ना बसे हैं। हाँ कि मैं कहाँ बताऊँ, कह नहीं सकते कि मैं कैसे हम लोग के मतलब दिन कट रहा है। सब कोई के दारू भट्टी से मतलब हर कुछ मिला, हर चीज के लाभ किए, बिल्डिंग महला दो महला सब चीज बनाए, लेकिन हम लोग के ये भी नहीं मिला कि हम लोग जिए कैसे, ऐसा हो गया है। सब कोई तो खुशी होकर जी रहे हैं, लेकिन हम लोग मर मर के पल पल के मतलब घुट घुट के जी रहे हैं। पीछे गाड़ी गलौज तो दिन रात होता है। सरगुजा में मणिपुर चौकी की पुलिस टीम द्वारा शहर को पटमारा और भाथूपारा में महुआ शराब को लेकर कार्यवाही की गई, जिस पर नाराज लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। दरअसल पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए दो लोगों को पुलिस थाने ले आई थी, जिसके बाद नाराज मोहल्लेवासियों ने थाने का घेराव किया। वहीं पुलिस द्वारा काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा दिया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। शराब पे सभी थाना चौकियों द्वारा अभियान के रूप में कार्यवाही की गई थी। उसी बीच कुछ लोग चौकी में आए थे और उनको की गई कार्यवाही के बारे में बताया गया और समझाइश दे के उनको जो है वापस रवाना किया गया। कोरबा के पंप हाउस कॉलोनी में कुछ दिन पहले हुई हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। सहयोगी ने मुख्य आरोपी को कोरबा से भगाने में मदद की थी। जिला पुलिस कार्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मामले का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि प्रेम त्रिकोण की हत्या में घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस की चार टीमें मामले की जाँच के लिए लगी हुई है। पुलिस की टीम ने यात्री बस की जाँच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। कुसुम पन्ना था, उसकी नुकेले जो धारदार एक हथियार नुमान वस्तु से हत्या कर दी गई थी, जिसकी हत्या करने के बाद एक व्यक्ति जिस पे शक था वो फरार हो गया था। बाद में आज हम लोगों ने एक आरोपी को पकड़ा जिसका नाम साहबान खान है, जिसको हम लोगों ने चिचूला बॉर्डर राजनांदगांव जिले से बस से उतार के पकड़ा था। उसको जब पूछताछ किया तो पता चला कि ये पूरा मामला आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।